वहीं भाजपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में वापसी करने वाले हरक सिंह रावत के सबसे करीबी नेताओं में शामिल उमेश शर्मा काऊ को गिना जाता है। पिछली बार जब हरक सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था तब भी उमेश शर्मा काऊ ने ही उन्हें मनाने और वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब उमेश शर्मा काऊ की राह हरक रावत से अलग हो चुकी है। बिल्कुल, एक बड़ी भूमिका जब कैबिनेट मीटिंग से निकले थे हरक सिंह रावत, तब भी काऊ का नाम उन्हें मनाने में आया था। रायपुर से फिर भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब उमेश शर्मा ने अपने पुराने साथी हरक रावत पर बड़ा बयान दिया है। काऊ ने कहा है कि अब उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हरक रावत को दिल्ली जाने से बहुत रोका, कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले भी मना किया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वे कांग्रेस में जाएंगे, इसलिए अब विचारधारा और पार्टी दोनों ही अलग अलग है। जहां भी रहे ईश्वर उनका भविष्य उज्जवल करे, और हमारे साथी हैं, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। साथी चला जाने का दुख तो है नहीं, हमने समझाने का बहुत काम किया, अपना अपना है, ईश्वर को इतने ही दिन साथ मंजूर था। हमने अपने साथी को बहुत समझाने की, वो कई बार, मैं क्यों कहूँ, बहुत मेरा सम्मान भी किया, कई बार उन्होंने मेरी बात भी मानी, लेकिन आखिर में शायद ईश्वर को इतना ही मंजूर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक होनी है, यूपी के उम्मीदवारों को लेकर आज अहम मंथन होना है। भाजपा यूपी के 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज कर सकती है। दोपहर 3 बजे के बाद कोर ग्रुप की ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बिल्कुल, तो लगातार बैठकों का दौर बीजेपी का चल रहा है दिल्ली में, और अब यूपी के उम्मीदवारों को लेकर आज एक और मंथन होना है। भाजपा यूपी के 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। दोपहर 3 बजे के बाद कोर ग्रुप की ये मीटिंग होने जा रही है, और उसके बाद देखना होगा कि किन नामों पर मोहर लगती है। पहले चरण के चुनाव में ज्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा का फोकस पश्चिम के जिलों पर है। आज लगातार दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में रहेंगे। आज सीएम गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में वैसे भी कहा जा रहा था कि भाजपा की स्थिति कुछ कमजोर हुई है, इसलिए खास फोकस भी है। सीएम आज गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही 2 सभाओं को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम जिले के प्रबुद्ध वर्ग की बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान सीएम प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे बात पूर्वांचल की कर ले या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर ले, क्योंकि पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होना है, तो कल भी हमने देखा जगह जगह पर एलईडी वैन को निकाला गया, और आज भी योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, 2 जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है उनके लिए जनता से वोट की अपील भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, शक्ति सिंह हमारे गाजियाबाद से संवाददाता जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये पश्चिमी यूपी वही है जब किसान आंदोलन चल रहा था तो नेताओं को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था गांव में, अब जब बीजेपी के दिग्गज नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और गाजियाबाद में जो आज सीएम का कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताएं। देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में आज 2 विधानसभा में सीएम पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद यहां पर पहले, सबसे पहले जो साहिबाबाद विधानसभा है, यहां पर जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के चलते यहां पर कम ही लोगों को बुलाया गया है। वहीं इसके बाद गाजियाबाद जो शहर सीट है, शहर सीट पर सीएम योगी पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद वहां भी यही कार्यक्रम है कि जो लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं उन सबको बुलाकर, और जो पार्टी के जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबके साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। और अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो प्रथम चरण में ही इलेक्शन होने हैं, उसको लेकर फोकस सिर्फ और सिर्फ अगर माना जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जो पार्टी के सभी बड़े वरिष्ठ लीडर हैं उनका है। कल कैराना में अमित शाह थे, तो अगर बात की जाए बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में योगी थे, और आज गाजियाबाद में है, तो कहीं ना कहीं अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर बात की जाए बीजेपी के नेताओं की, तो जितने भी नेता इस समय जमीन पर हैं और जमीन पर लगातार
वहीं अगर बात की जाए वर्चुअल की, तो वर्चुअल तरीके से भी लगातार लोगों से जुड़ने की उनकी कोशिश है, लगातार जुड़ भी रहे हैं और अब जमीन पे भी उतर आए हैं। एक तरफ कोरोना चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए इन नेताओं ने यह भी तय किया है कि अब जमीन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का एक समय माहौल था, वो माहौल था किसान आंदोलन, अब वो बिल्कुल शांत है। जिस तरीके से हमने देखा कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी बीजेपी का नेता जाता था तो उसे वहां से उसका जबरदस्त विरोध होता था और उसे भगा दिया जाता था, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार है। अब नेता आराम से जा रहे हैं और लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। जिन गांवों में उन्हें घुसने की भी इजाज़त नहीं थी, अब उन गांवों में भी जो नेता हैं, जो लोकल नेता हैं या वरिष्ठ नेता कहें, कि वो लगातार पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि प्रथम चरण सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, जो इलेक्शन है वो इधर की तरफ ही है और उसके बाद जो 7 चरणों में जो इलेक्शन होने हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे पूर्वांचल की तरफ। तो सबसे पहले जहाँ पर इलेक्शन है वहाँ से अगर माना जाए तो एक माहौल जो है वो बनाने की पूरी कोशिश है बीजेपी की, और कुछ हद तक इसमें बीजेपी के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो कामयाब भी हो रहे हैं। गाजियाबाद की अगर हम साहिबाबाद की सीट की बात की जाए तो साहिबाबाद सीट में अगर योगी के प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ अगर प्रोग्राम इनका अहम माना जा रहा है, यहाँ पर जो सुनील शर्मा बीजेपी के विधायक हैं उन्हीं के जो पार्टी के जो लोकल जो यहाँ के नेता थे, कई लोगों ने शक्ति अगर देखें तो कार्यक्रम बहुत सारे हैं और लगातार भाजपा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, चाहे बात जनसभाओं की हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग की हो, लगातार इस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।